दर्शक बंधु 7 तारीख रु जेबुठु इजराइल उपरे हमास रो रॉकेट माड़ दाबी अचानक एवं अतर्कित भावरे हवा परठरु संभवतः रूस युक्रेन युद्ध संपर्क रे कोनोसी गणमाध्यम मुंड खेलबा देखा जाउ ना। एमिति रे रूस युक्रेन रो युद्ध एक रकम एक कोण ठेसा खबर रूपरे एबे 5 दिन हला गति कर, किंतु आज हठात पुटिन कर एक बयान पुनर्बार एही युद्ध को नहीं रशिया एवं युक्रेन को मध्य उपस्थापित करिछि एवं एहार चित्र को मन पकेबा पई बाध्य करिछि। एहारि भितरे पुटिन कर अमेरिका को दोषारोप करिबा, युक्रेन रो रूस दोषारोप करिबा एवं मोटामोटी भाबरे मध्य प्राच्य राष्ट्रर रणनीति को नहीं अमेरिकार दृष्टिभंगी को मध्य उपस्थापित करिबा पई रूस पछे नाही। ए मामला संपर्क रे कथा हवा पूर्वरु वर्तमान रो परिस्थिति जेमिति एथिरे कुहा जाउची कि संपूर्ण गाजा एबे इजराइल रो नियंत्रण रे, किंतु इजराइल पई सबुठारु बड़ विपद हला लेबानन रो हिजबुला रो आक्रमण आउ एबे संप्रति सीरिया रो आतंकी माने मध्य मोर्टार माड़ करिवार खबर आस। जदि एहा हुए ताहले गोटिए पटरु हमास, उत्तर पटरु हिजबुल्ला एवं सीरिया पटरु आईएसआईएस आतंकी को सामना करिबो इजराइल। एमिति भितरे इजराइल रो युद्ध आहुरी मध्य भयंकर होई परे एक कथा अनुमान करा जाउ। मृत्यु संख्या बढ़ुतबा बळे प्राय प्राय इजराइल नागरिकंकर मृत्यु संख्या हजारे रे पहुंची थिवार रिपोर्ट पहुंचिला, किंतु एति भितरे हमास रो आतंकी जो माने इजराइल भितरे पसिथिले सेमानंकर प्राय 1500 मृतदेह बरामद होइतिबार खबर मध्य आसि। अर्थात इजराइल भितरे 1500 हमास रो आतंकवादी मानंकर शव मिलिथिबा जणा पडिछ एवं एहार पुष्टि मध्य चले। तेबे सबुठु बड़ कथा हला इजराइल रे वर्तमान जो परिस्थिति एहा को नै अमेरिकार रणनीति भूल बोली पुटिन एक गंभीर बयान देइछन्ति। पुटिन कहिबा को चाहिछन्ति कि पालेस्टाइन को नै अमेरिकार रणनीति ठीक ए परिकी पालेस्टाइन रो दीर्घ दिनर दाबी को मध्य व्यापक मात्रा रे अनदेखा करा जाउ। केवल सेतिक नुह पुटिन एही विवाद पई नाटो को मध्य दोषी करछन्ति एवं कहिछन्ति नाटो एहार अस्त्रशस्त्र अफगानिस्तान रे तालिबान को देइछि, नाटो एहार अस्त्रशस्त्र युक्रेन को भी देइछि, एबे सेही अस्त्रशस्त्र रो गुली एवं बारूद रो धमाका तमकु ही भोगिबा को पडुछि। अपर पटरे सीधासळख रूस एबे अमेरिका को ही दोषी बोली सब्यस्त करिबा पई आगभर होइ। सेपटे यूएन रे मध्य इजराइल हमास रो व्यापक प्रसंग उत्थापित होई, एथिरे पालेस्टाइन तरफरु जातिसंघ रो प्रतिनिधि सीधासळख गाजा पट्टी रे नरसंहार पई इजराइल को दोषी करथिबा बळे सेई जातिसंघ रे इजराइल तरफरु मध्य हमास रो बर्बरता संपर्क रे स्पष्टीकरण दिया जाय। तेबे मोटामोटी सांप्रतिक परिस्थिति एमिति कि रूस एवं युक्रेन दुईटी देशर युद्ध संभवतः एक मिलिटारी बा प्रतिरक्षा विभाग मध्यरे युद्ध बोली बुझा जाए, किंतु हमास एवं इजराइल रो एई जो युद्ध भितरे अति अल्प समय रे जो बोली नरसंहार एवं बर्बरतार चित्र बाहर को आसुची संभवतः एक टुकड़ा आतंकवादी गोष्ठी कौन करी पारे एक था एबे सारा विश्वर अनेक बड़ बड़ देश हृदयंगम करिबा आरंभ कले। अनेक देशर पणबंदी हमास कब्जा रे रहिथिबा बळे एहाकु नै ब्लैकमेल स्थिति रे पहुंची गलानी हमास। जदि इजराइल एयर स्ट्राइक बंद न करे ताहले एही पणबंदी मानकु मारिबा आरंभ कर दओ बोली हमास धमक देथिबा बळे इजराइल पणबंदी मानकु केमिति मुकुलेबो ए नै एक स्वतंत्र ऑपरेशन जारी करथुबा मध्य जणा पड़। तबे एहार भितरे पुटिन सीधासळख अमेरिका को दोषारोप करिछन्ति एवं विशेष किछि हमास एवं इजराइल उपरे टिक्का टिप्पणी पुटिन करिनथिबा बळे सेपटरे एही बाक युद्ध रे युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की मध्य उल्लेख। जेलेंस्की कहिछन्ति हमास जो इजराइल उपरे आक्रमण करिछि एहा पछरे रूस ही दायी, रूस केबे हेले मध्य प्राच्य रे बा आरब राष्ट्र रे शांति चाहे नाही, सर्वदा एही अंचल को अशांत करिवार रणनीति रूस प्रस्तुत करिथाए। तेणु रूस सीधासळख एथिपई अमेरिका को दायी करथिबा बळे युक्रेन सीधासळख रूस को एथिपई दायी करथिबा जणा पड़। तेबे अनेक देश मध्यरु संभवतः रूस एवं चीन एही मामला रे एजाबत निजर बयानबाजी करिनथिबा बळे बा इजराइल बा पालेस्टाइन को समर्थन करथिबा बळे बयान देउनथिबा बळे आज पुटिन को मोह खोलिबा एक विशेष चर्चार प्रसंग होई। तेणु आगु को चली
ରୁଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି ଏବଂ ଚୀନ୍ର ରଣନୀତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924 ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।